उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय ने अपना 26वां दीक्षांत समारोह बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। आयोजन की शुरुआत स्वर्ण जयंती सभागार में दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव मौजूद थे। राज्यपाल ने समारोह में पीएचडी उपाधि धारकों को डिग्री और स्नातक व स्नातकोत्तर प्राप्त अभ्यर्थी को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस समारोह को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज महामहिम माननीय राज्यपाल मंगू भैया आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहला यह अवसर है जब गुड़ी पड़वा के दिन विक्रम संवत के प्रवर्तन के दिन दीक्षांत समारोह हो रहा है और ये सही समय है। मेरी अपनी ओर से एक अच्छा आयोजन की बधाई। आज के इस अवसर पर जो जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया या जिनको दीक्षांत समारोह में शामिल होने का मौका मिला है, सभी को बधाई और उम्मीद करता हूँ हर वर्ष ये कायम इसी रूप से कार्यक्रम रहेगा। खास करके जो हमारा शैक्षणिक सत्र इससे और व्यवस्थित हो जाएगा, मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। सबसे पहले तो मैं नववर्ष की सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ और ख़ासतौर से आज हमारा ऐतिहासिक दिन रहा है कि जब नए वर्ष पे इस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, इसमें 152 विद्यार्थियों ने भाग लिया, उसमें उपाधि और मेडल उनको दिया गया और ख़ास तौर से हमारे बीच में नोबल लॉरेट और महामहिम माननीय मंत्री जी, ये सारे लोग आए। मैं सभी लोगों को उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ख़ासतौर से हमारे पास बहुत सारे हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है, ये इन्होंने उनको रिसीव किया डांस करते हुए। उन छोटे छोटे बच्चों को मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं समारोह में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।